प्रदेश में बिजली कटौती की मार झेल रहे लोगों के लिए बरसात की बौछार बड़ी राहत लेकर आई। कई जिलों में बरसात के चलते एकाएक बिजली की मांग में बड़ी गिरावट दर्ज की गई, जिसके चलते बिजली की मांग और आपूर्ति का गणित काफी हद तक ट्रैक पर आया। ये रिपोर्ट देखिए। पहले कोल संकट और फिर एकाएक बढ़ी डिमांड के चलते पिछले दो महीने से राजस्थान बिजली संकट से जूझ रहा है। हालात ये हैं कि एक्सचेंज से महंगे दामों पर भी बिजली उपलब्ध नहीं थी, जिसके चलते ग्रामीण से लेकर शहरी इलाकों तक में लोगों को घंटों बिजली कटौती की मार झेलनी पड़ रही थी। लेकिन दो दिन से जारी बरसात ने न सिर्फ आमजन बल्कि ऊर्जा विभाग को भी बड़ी राहत दे दी है। बरसात के चलते एकाएक बिजली की मांग दो दिन में 800 लाख यूनिट तक कम हो गई है। ऐसे में कुछ ब्लॉक्स में तो सरप्लस बिजली जैसे हालात हैं। इन सब हालात को देखते हुए कमोबेश सभी जगहों पर बिजली की कटौती रोक दी गई है। मांग के गणित को देखें तो कटौती रोकने के बावजूद बिजली की आपूर्ति का आंकड़ा 2200 लाख यूनिट के आसपास ही है। जो है बराबर बिजली कटौती का भय भी था और करनी भी पड़ रही थी डिफरेंट टाइम्स में, क्योंकि उतना जनरेशन नहीं था हमारे पास में। हालांकि विंड से और सोलर से बहुत बड़ा सपोर्ट था, बीच में विंड और सोलर से मिला के मोर देन 5000 मेगावाट से ज़्यादा जनरेशन हो रहा था, जिसकी वजह से हमें बड़ी राहत थी। लेकिन अब क्योंकि बारिश हो गई है और एक साथ डिमांड 5000 मेगावाट कल कम हो गई, मतलब ऑल ओवर राजस्थान की मैं बात कर रहा हूँ, 15000 से ऊपर पहुँच गई थी पीक डिमांड 3 बजे के आसपास, जो अब कल कम होकर के 10000 भी नहीं टच किया, 9900 समथिंग रह गई। इससे जो है बिजली कटौती बिल्कुल बंद हो गई और आज पूरे दिन के जो 96 ब्लॉक हैं, ऊर्जा विकास निगम से जो इन्फॉर्मेशन आती है उसमें नो डेफिसिट आया है। बरसात के बाद यूं बदली मांग उपलब्धता की गणित। 11 जून 3222 लाख यूनिट बिजली की आपूर्ति हुई, 12 जून को 3101 लाख यूनिट, 13 जून को 2962 लाख यूनिट, 14 जून को 2839 लाख यूनिट, 15 जून को 3084 लाख यूनिट, 16 जून को 3040 लाख यूनिट, 17 जून को 2958 लाख यूनिट, 18 जून को 2691 लाख यूनिट, 19 जून को 2282 लाख यूनिट। प्रदेश में एक तरफ जहां बिजली की मांग में जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई है, वहीं दूसरी ओर हवाई झोंके भी ऊर्जा विभाग का बड़ा साथ दे रहे हैं। बरसात के साथ तेज हवाओं का ही असर है कि बिजली कंपनियों को रिकॉर्ड विंड एनर्जी मिलने लगी है। पिछले 4 दिनों की बात की जाए तो 2 बार 600 लाख यूनिट से ज्यादा बिजली सिर्फ विंड एनर्जी से मिल रही है। मौसम के इस बदलाव ने राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के लोड मैनेजमेंट को काफी हद तक सरप्लस की श्रेणी में ला दिया है। कटौती नहीं करने के बावजूद दिन के कई ब्लॉक्स में तो बिजली एक्सचेंज को सरेंडर करनी पड़ रही है। राजस्थान में हवाई झोंकों का पावर गणित। प्रदेश में बरसात के साथ साथ तेज हवाओं का इफेक्ट, पवन ऊर्जा के स्रोतों से मिल रही काफी अच्छी बिजली, राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड को मिल रही बिजली। आंकड़ों में देखें तो 17 जून को मिली सबसे ज्यादा 664 लाख यूनिट बिजली, 18 जून को 384 लाख यूनिट, 19 जून को 284 लाख यूनिट का उत्पादन। ऐसे में कटौती ना करने के बावजूद कई ब्लॉक्स में बिजली सरप्लस। RUVNL एक्सचेंज में बिजली देकर कर रहा लोड मैनेजमेंट। बरसात की शुरुआती फुहार ने जनता व ऊर्जा विभाग को बड़ी राहत दी है, लेकिन इसके साथ ही तीनों डिस्कॉम के लिए चुनौती भी बढ़ गई है। ये चुनौती है बरसात के साथ ही शुरू होने वाले विद्युत हादसों पर नियंत्रण की। हालांकि जयपुर डिस्कॉम प्रशासन का दावा है कि सभी फील्ड अभियंताओं ने हाई रिस्क पॉइंट तलाश कर उन्हें दुरुस्त करवा दिया है। ऐसे में देखना ये होगा कि ये दावा फील्ड में कितना खरा उतर पाता है। जयपुर से फोर्स इंडिया के लिए विकास शर्मा की रिपोर्ट।